रविंद्र का सुनियो, सुसाइड तो मान से मान की बात हुआ जी। जब आदमी लठ मारे गोन मरे, कई गाड़ कटे गोन मरे, और की आदमी इतनी मतलब गहरी दिल पर ले जाए तो बन कहने भी मर जाए। तो मास्टर जी एक स्वाभिमानी आदमी था, स्वाभिमानी आदमी है वो, मतलब है बिन कोई गलत बात कहे तो भी सहन को नहीं है, भी कारण में मतलब वो कदम उठायो। कभी कल ने कोई भी कोई आदमी मारा है जी, मान लो कागदाने का, मैं एक बुजुर्ग आदमी था, उसको किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने अपमान कर दिया तो वो बुजुर्ग आदमी अपने कमरे के अंदर 6 महीने अंदर रहा, बाहर नहीं निकला। महापंचायत हुई थी इसी तरह थे, कागदाना गांव का गिरधारी सरपंच था, उसके लिए पूरे महापंचायत हुई थी, पर वो आदमी घर से बाहर नहीं निकला, 6 महीने के अंदर वो मरा निकला। तो वही बात रविंद्र जी को दारा कर दी, स्वाभिमानी था, मान सम्मान वाला आदमी था, उसके साथ जो उन्होंने मिसयोग किया। गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए कभी भी, गुरु इतना बुरा नहीं होता है। कृष्ण भगवान के भी गुरु था, अर्जुन के भी गुरु था, महायोद्धा हुए, साइंटिस्ट हुए, सब गुरुओं की देन है कि साइंटिस्ट अपने घर में पैदा होता है, गुरु तो बनाता है इसको साइंटिस्ट। गुरु एक मतलब महान जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके भी तो गुरु था, जो पत्रकार है उसके भी तो गुरु था, जिसने मिसयोग किया उसके भी तो गुरु था। गुरु से बढ़ के कोई उपाधि नहीं होती है, गुरु से बढ़ के कोई होता भी नहीं है जी। अगली रणनीति, अगली रणनीति साफ है जी, अगर न्याय नहीं मिलो बादरा जावांगा, शिवानी बिरानी थाने में घेराव कराऊंगा, और हडमानगढ़ घेराव का, एसपी का घेराव का मतलब घेराव करेंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो पूरी राजस्थान के अंदर ये बता देंगे कि हरियाणा के एक टीचर का ऐसा हुआ, पूरा मतलब पूरा हमारे 45 गाँव के पूरे आदमी हमारे साथ हैं। सस्ता मतलब को नहीं, एक मान लो सस्ता गुरु को अपमान करो, एक आम आदमी को भी अपमान नहीं करना चाहिए नहीं। मुझे एक पत्रकार का भी अपमान नहीं करना चाहिए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पत्रकार भी उपाधि होता है, पत्रकार का भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। तो उसको गुरु का फिर अपमान करे कैसे, मैं ये नहीं कहता कि पत्रकार का अपमान करो, सरपंच का अपमान करो, किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई गलती हो तो उससे पूछनी चाहिए कि आपका कसूर क्या है।